आज मन किया कि लंच में कुछ डिफरेंट रेसिपी ट्राई की जाए। वही दाल चावल रोटी सब्जी खा खा कर बहुत बोरियत महसूस हो रही थी, तो सोचा चलिए आज कर्ड राइस बनाते हैं। तो बन के बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ, बहुत ही डिलीशियस था, साथ में हेल्दी भी था, तो सोचा आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर करनी तो बनती है। तो चलिए मिल के बनाते हैं कर्ड राइस। तो इसके लिए हमने 2 कटोरी चावल ले लिया है, और इसके साथ ही इसमें जस्ट डबल पानी तो हम लोग नॉर्मल चावल बनाने के लिए ऐड करते ही हैं, इसके साथ ही हमको इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना है। जैसे कि यदि आप 1 कटोरी चावल बनाते हैं उसमें दुगना पानी डालते हैं, तो इसमें आप 2.5 गुना पानी डालिए। थोड़े से स्टिकी और गीले चावल बनने चाहिए, तभी आपके कर्ड राइस में वैसा स्वाद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने स्टिकी राइस तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने 2 विसिल लगाई हैं और बहुत ही परफेक्ट राइस बना हुआ था। इसके साथ में थोड़ा खिला खिला राइस नहीं चलता है, तो चलिए तब तक हम इसका तड़का तैयार करते हैं। बहुत ही मेन है ये तड़का, तो इसको ध्यान से तैयार करिएगा। इसमें हमने देसी घी ले लिया है, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं। तो जब ये तेल अच्छे से हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ी सी चना दाल और मेथी दाना डाल देंगे, और दोनों को ब्राउन करना है। थोड़ा सा क्रंची टेस्ट चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मेथी दाना में बहुत कड़वा स्वाद आता है, तो उनको चाहिए कि वो उसको एक्स्ट्रा ब्राउन करें, तो उससे जो है मेथी का टेस्ट भी हो जाता है और मेथी दाना कड़वा नहीं लगता है। तो मेथी दाना हमने डाल दिया है, साथ ही में थोड़ी देर बाद चने की दाल डाल देंगे और दोनों को ब्राउन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब हमने इसमें कटी हुई अदरक और एक हरी मिर्च डाली है। ये ऑप्शनल है, लेकिन अदरक का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं तो ज़रूर डालती हूँ। इसमें हम जो है आज राई का तड़का लगाएंगे, उसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। इसमें हम अपने हरी मिर्च और थोड़ी सी मीठी नीम डालनी है। मीठी नीम बिल्कुल स्किप मत करिएगा, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद जो है हम इसमें सरसों डालेंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया है मीठी नीम डालने से, तो अब इसमें हम सरसों ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब अच्छे से क्रैकल हो जाएगी तो इसमें हम कुछ काजू के टुकड़े डालेंगे। ऑप्शनल है, आप खाएं तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कर्ड राइस में, तो मेरी सलाह है कि आप इसको ज़रूर डालिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा तड़का तैयार हो गया है, इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और चलिए देखते हैं कि जो है हमारे राइस कैसे तैयार हुए हैं। और यहाँ पर हमने 2 चुटकी हींग भी डाली है, इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट राइस बने हैं, बिल्कुल इसी तरीके का राइस चाहिए जिसको हम लोग पहले इसको भात कहते थे, बिल्कुल उस तरीके का। थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी चाहिए, खिला खिला चावल में कर्ड राइस बहुत अच्छा नहीं बनता है। अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, और फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक कर्ड राइस में थोड़ा हल्का ही रखा जाता है, बाकी आपका अपना टेस्ट है, तो जैसे चाहें वैसे डाल लीजिए। अब इसके साथ ही हम इसमें दही मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर इतने राइस में 1 कटोरी दही मिक्स कर दिया है, और इसको बहुत अच्छे से आपस में मिक्स कर लीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दही भी मिक्स हो गया है। अब देखते हैं कि इसमें तड़का डालना है हमको, तो चलिए इसमें पहले तड़का डाल लेते हैं, फिर हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। थोड़ा सा तड़का जो है वो गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग फ्रेंड्स इसमें नारियल ग्रेट करके भी डालते हैं, फ्रेश नारियल, या कोकोनट का जो बुरादा आता है डेसिकेटेड कोकोनट, वो भी यूज़ करते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरा कर्ड राइस तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। और आप सभी ने हमारी ये रेसिपी देखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।